highly paid job in the market, zero coding, not much technical background needed. क्या ऐसा प्रोफाइल आप जानना चाहोगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज शाहरुख बागमार. आज का टॉपिक है बिजनेस एनालिस्ट. तो बेसिकली टुडेज एजेंडा वुड बी हु इज बीए, रिक्वायरमेंट्स टू बी अ बीए, सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अ बीए, देन द लास्ट थिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बीए. लेट मी बिगिन थ्रू माई इंट्रोडक्शन. आई एम शाहरुख बागमार. आई एम बिजनेस सिस्टम्स एनालिस्ट फॉर सेल्सफोर्स सर्विस क्लाउड. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, हु इज बीए. तो बेसिकली बीए होता कौन है और उसका मेनली काम क्या होता है? तो बीए जो होता है वो क्या करता है, बिजनेस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे थरली अंडरस्टैंड करता है, एनालाइज करता है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है. बीए प्लेज एज अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस नीड्स एंड द टेक्नोलॉजी. मतलब कि जो रिक्वायरमेंट आई है उसको पूरा प्रोसेस करने तक और उसको डिप्लॉयमेंट करवाने तक. थर्ड थिंग, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. बीए प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, दैट इज रिक्वायरमेंट्स टू बी अ बीए. तो पहला रिक्वायरमेंट्स विच आई कैन से इज द एजुकेशन. सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज रेफर कि सामने वाला बंदा बैचलर या मास्टर्स जो है वो कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या बिजनेस में उसका डिग्री होना चाहिए, या फिर कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो अदर बैकग्राउंड्स को भी रेफर करती है. सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो होता है एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है. तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या प्रेफर करती है कि 2 से 5 साल का इनको एक्सपीरियंस हो. थर्ड थिंग आती है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, बिकॉज इसमें जो होता है हम लोग को स्टेक होल्डर्स हो गया, टेक्निकल टीम हो गई और अदर टीम्स जो भी इससे रिलेटेड होगा, जो हम लोग को टास्क करवाना है तो सारे टीम से हम लोग को बात करनी होती है, इसके लिए कम्युनिकेशन इज वेरी मस्ट थिंग हियर. फोर्थ थिंग होता है थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड SQL आई कैन से, सो दीज थिंग्स. उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एजाइल का एंड जीरा का. उसके बाद आता है एनालिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स. इसमें आपको क्या करना होता है, जो डेटा का पैटर्न्स होता है या जो डेटा का फ्लो होता है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है डेटा, किस फॉर्मेट में जा रहा है और कौन सा फ्लो कहाँ से हो रहा है, ये सारी चीज़ें एंड ऑल्सो इम्पैक्ट एनालिसिस, कि अगर हम लोग जब भी ये चेंजेस कर लेंगे उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इज देयर एनी यूजर विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट थ्रू दीज चेंजेस. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वाई वी आर डूइंग दिस, हम लोगों को क्यों जानना है भाई ये सब, ऑफकोर्स पैसा. सो द पैकेज वुड बी, मैंने जो देखा एम्बिशन बॉक्स पे इसका मेंशन है 3 to 15.6. उसके बाद जो है ग्लास डोर पे मैंने देखा है 6 to 13 lakh के बीच में, मतलब इन अ वे 3 से लेकर 16 lakh के बीच में इसका पैकेज वेरी हो सकता है इन इंडिया, और अगर बाहर की कंपनी हो US वगैरह की तो इसका पैकेज वेरी हो सकता है. Let's move to the important topic, which is roles and responsibilities of a BA. तो पहला होता है gathering information, gathering requirements. तो जो भी business बोलो या stakeholders बोलो, जो हम लोग के पास requirement ला रहे हैं कि उस software पे, software को ही business बोला जा रहा है यहाँ पर, उस software के ऊपर जो भी changes होने वाले हैं, so those requirements are coming from business और स्टेक होल्डर्स. तो बीए का काम होता है कि सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, अच्छे से स्टेप्स बनाना और उसके अंदर सब कुछ मेंशन करना. उसके बाद आता है सेकंड थिंग, डॉक्यूमेंटेशन. तो डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स आ गई है उसके ऊपर क्या करना है, उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है, पॉइंट्स में डालना है, उसका फ्लो बताना है कि और कौन से यूज केसेस रहेंगे. उसके बाद रहेगा थर्ड थिंग, डेटा एनालिसिस. तो डेटा एनालिसिस में स्पेशली क्या होता है कि डेटा कौन से फॉर्मेट में है, इसका फ्लो कैसा है और इसका इंसाइट्स, डेटा के अंदर और डीप डाउन जाते हैं जिसके थ्रू हम लोग को उसका इंसाइट पता चलता है, फ्लो का भी इंसाइट देख सकते हैं. उसके बाद आता है इम्पैक्ट एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस. तो इसमें क्या होता है, हम लोग को पता करना होता है कि वंस वी मेक दीज चेंजेस which came from business or stakeholders, तो वो changes करने के बाद इसका impact क्या होने वाला है. Fifth thing which is very important, communications or agile calls or scrum calls. तो इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ हम लोग के पास gather हो चुकी है, हमने क्या किया है, सारे चीज़ को gather कर लिया,
उसके बाद उसका एनालिसिस कर लिया, डेटा एनालिसिस भी कर लिया, रिस्क एनालिसिस भी कर लिया। अब उसके बाद इसका काम होता है कि हम लोग को इसको अभी क्या करना है, कॉल्स पर जाना पड़ता है, स्क्रम कॉल बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या करना होता है, जो हम लोग की जीरा स्टोरी बन गई थी, हमने जब डॉक्यूमेंट किया है डेटा, मतलब हमने जीरा स्टोरी बनाया है, मोस्टली जीरा स्टोरी यूज करते हैं, मैं खुद जीरा स्टोरी यूज करता हूँ, जीरा यूज करते हैं, नॉट श्योर अबाउट अदर कंपनीज। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम स्क्रम कॉल्स पर जाएंगे, वहां पर स्क्रम मास्टर भी होता है विच लीड्स द कॉल, और उसमें डेवलपर्स भी होते हैं। सो वी ग्रूम आर स्टोरी, मतलब हम लोग अपनी स्टोरी के बारे में बताते हैं कि दिस स्टोरी इज ब्रॉट बाय दिस पर्सन विच दे आर टॉकिंग अबाउट दीज चेंजेस विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट दीज आर द प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू थिंक टू डेवलप इन सच अ वे। तो उसके बाद क्या करता है, डेवलपर वगैरह डिसाइड करती है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज, बट यू प्रोवाइड योर ऑल एनालिसिस एंड योर ऑल इनपुट्स। द स्टोरी डजंट एंड हियर, उसके बाद आता है टेस्टिंग वाला पार्ट। जैसे कि मान लो वो जो चेंजेस थे वो डिप्लॉय हो चुके हैं प्रोडक्शन पे या लोअर इन्वायरमेंट पे, उसके बाद आता है आपका टेस्टिंग इन्वायरमेंट, मतलब आपको टेस्ट करना है, टेस्टिंग पार्ट आता है आपका। उसके बाद एक और रोल होता है बीए का, विच इज चेंज मैनेजमेंट, चेंज रिक्वेस्ट इट इज कॉल्ड एज। उसके अंदर क्या होता है, जो भी छोटी सी रिक्वेस्ट आती है जो कि चेंज है, अगेन इट इज अ चेंज विच इज गोइंग टू सम इम्पैक्ट ऑन प्रोसेस, मतलब जो भी है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए ही वो चेंज आया है, जो कि छोटा छोटा टास्क होगा तो वो आप बीए ही कर सकता है, वो उसके लिए स्टोरी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस वॉज द वीडियो वॉज रियली गुड फॉर मी बिकॉज ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बनाया है। सो आई होप यू पीपल लाइक इट, जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड